और आपका स्वागत है हमारी हमारी संस्था आईसीएस में। और मैं आज आपके लिए ग्रीन टॉपिक लाया हूँ और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा हर एक चीज हर एक बिंदु पर, जो एग्जाम में आपके बहुत ही सहयोगी होंगे, लाभदायी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान, यानी वर्णमाला में, वर्णमाला में जो भी वर्ण होते हैं उनके उच्चारण स्थान से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान होता क्या है, यानी कि जो वर्ण जिस स्थान से उच्चरित होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जहां से होता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है। तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ, फिगर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ये कुछ हमारे आंतरिक मुख की चित्रांकन है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो होता है ये सबसे पहले यहाँ पर होता है कंठ। सभी को पता है कंठ माने होता है गला। उसके बाद जब हम कंठ से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो ये ऊपरी जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं ताल, और ऊपरी हिस्से से जब हम नीचे आते हैं तीसरे नंबर पे होता है मूर्धा, और चौथे नंबर पे ये होते हैं दंत, और ये पांचवे नंबर पर इसको आप ओष्ठ कह सकते हैं, ये हमारे ओष्ठ हैं, पांचवे नंबर पे ओष्ठ। और छठा जो स्थान होता है उच्चारण का वो होता है नासिका। यानी कि मैंने देखा है यहां पर कि सबसे पहले जो आता है उच्चारण स्थान में वो कंठ आता है, दूसरे पे ताल आता है, तीसरे पे मूर्धा आता है, चौथे पे दंत आता है, और पांचवे पर ओष्ठ आता है, छठे पर नासिका आता है। इन्हीं पांचों उच्चारण स्थान से सभी वर्ण का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो क्रमिक ट्रिक है, उस क्रमिक ट्रिक के माध्यम से आप वर्णों का स्थान, उच्चारण स्थान क्या होता है उसको आसानी से समझ सकेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि वर्णमाला में जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। उन 25 स्पर्श वर्णों में जो वर्ग है वो आपके पांच वर्ग होते हैं। पहला होता है का वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा टावर, पांचवा पावर। इन वर्णों को, पांच वर्गों को उदित वर्ण भी कहते हैं, उदित वर्ण। यानी कि इन वर्गों से वर्णों की उत्पत्ति हुई, वर्ण उदित हुए, इनको उदित कहेंगे। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि उदित वर्णा कत्संति, उदित वर्ण होते हैं कितने होते हैं, तो पांच होते हैं। यानी कि पहला होता है कावर, उदित ये होते हैं आपके कू, कह सकते हैं आप चू, टू, टू, ऊ, ये आपके पांच उदित हैं। इन पांच उदित वर्णों से इन वर्गों की उत्पत्ति हुई और इन वर्गों से वर्णों की उत्पत्ति हुई। यानी कि का वर्ग में आपके आ जाएंगे का, खा, गा, भा, अंगा। चार में चा, छा, जा, जा, या। तावर में ता, ठा, दा, धा, ना। तावर में ता, ठा, दा, धा, ना। और पावर में पा, था, बा, भा, और मा। तो उदित वर्ण कितने होते हैं, ऊ, चू, टू, तू, पू, ये उदित वर्ण है। इनसे वर्गों की उत्पत्ति हुई, कावर, चावर, तावर, तावर और पावर।
और इनमें ये वर्ड आते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि काव्र का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो काव्र कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है, और उच्चारण स्थान पर पहले नंबर कौन है, कंठ। यानी कि एक नंबर को एक नंबर से मिला दीजिए, यानी कि कंठ, काव्र का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। दूसरे नंबर पे होता है चावर, दूसरे नंबर पे एक होता है चावर, और यहाँ दूसरे नंबर क्या है, ताल है। तो चावर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ताल हो जाएगा। यहाँ तीसरे नंबर पे है टावर, और यहाँ तीसरे पर क्या है, मुर्दा, यानी कि काव्र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा। तीन को तीन से मिला लीजिए, ये क्रमिक ट्रिक है, मैचिंग कर दीजिए, जैसा कि हम लोग बचपन से मैचिंग करते आए हैं, तो बिल्कुल मैचिंग कर दीजिए। काव्र पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे कंठ है, तो काव्र का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। चावर दूसरे नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर क्या है, तालु है, तो इसलिए चावर का उच्चारण स्थान ताल। काव्र तीसरे नंबर पे है, यहाँ तीसरे पर है मुर्दा, यानी कि टावर को इससे मिला दीजिए, यानी कि टावर का उच्चारण स्थान मुर्दा हो जाएगा। चौथे नंबर पे यहाँ है दंत, और यहाँ चौथे नंबर पे टावर, यानी कि टावर का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। पांचवे नंबर पे पावर है, यहाँ पर पांचवे पर है ओष्ट, इसलिए पावर का उच्चारण स्थान ओष्ट हो जाएगा। फिर इसके जो बाद जो आप स्पर्श वर्ण जो है, स्पर्श वर्णों के पंचम वर्ण जो है नामा, इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जितने भी उच्चारण स्थान हैं, उन उच्चारण स्थानों को क्रमिक ट्रिक के माध्यम से हम सीख सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि वर्गों में सबसे पहले काव्र गाता है, दूसरे पर चावर गाता है, तीसरे पे टावर गाता है, चौथे पे तावर गाता है, पांचवे पर पावर गाता है। ऐसे ही उच्चारण स्थान में पहले नंबर पे कंठ, दूसरे पे ताल, तीसरे पर मूर्धा, चौथे पर दंत, पांचवे पर ओष्ठ और छठे पर नासिका। तो आपको केवल और केवल ये क्रम याद रखना होगा कि पहले पर कौन आता है, दूसरे पर कौन आता है, उसी के माध्यम से आप इनको आसानी से सीख सकते हैं और जान सकते हैं किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। जैसे मान लिया एग्जाम में किस वर्ण का उच्चारण स्थान जा का पूछा जाता है, तो आप पहले यह देखिए जा किस वर्ग में आता है, तो यहाँ पे जा जो है वो चावर्ग में आता है। फिर इसके बाद ये देखिए चावर्ग कितने नंबर पे है, यानी कि चावर्ग दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे उच्चारण में क्या आता है, ताल आता है, इसलिए जा का उच्चारण स्थान ताल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आप कितनी आसानी से, कितनी सरलता पूर्वक आपने जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान सीखा। ऐसे ही वर्णमाला में जितने अन्य भी जो वर्ण है, वो जो भी अन्य भी वर्ण है, वो भी आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि जो भी किया है वर्णों की और जो उनका उच्चारण स्थान है, इतनी आसानी से आपने सीखा क्रमिक ट्रिक के माध्यम से। इन क्रमों को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि वर्ग में पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे पर कौन आता है, तीसरे पर कौन आता है, चौथे पर कौन आता है और पांचवे पर कौन आता है। तो आपने देखा कि जो हमारी संस्था हरदोई में आईसीएस हरदोई में संचालित हो रही है, जिसकी दो शाखाएं हैं। एक तो हमारी शाखा आवास विकास हरदोई में सेंट जेवियर स्कूल के पास चल रही है, और दूसरी संस्था हमारी नमाज चौराहे पर है। आप वहां आकर जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे टेट हो, या कोई भी वनडे एग्जाम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, आप वहां आकर जो है एग्जाम से संबंधित तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक संस्था हमारी आईसीएस हरदोई जो कि आवास विकास में संचालित हो रही है, और दूसरी संस्था हमारी नमाज चौराहे है जो कोतवाली शहर के पास है। ठीक है, वहां पे संचालित कक्षाएं संचालित हो रही है, वहां आकर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।